स्मॉल की। अरे भाई साहब इधर नहीं, उधर बैठ रही पीछे इनके, इधर रमाशंकर भाई इधर आ जा तू, सूरज के पास सूरज आओ अंकल जी, आओ बड़े जी को बैठो। हां दादा आ रही आपको गोपाल आया था आपको बता दें बेटा, लग जाएगी जल्दी से हो जा। नारियल गाय में फोड़ने को भी चीज खिलाओ, नहीं गुली नहीं खिलाओ, एक बात नहीं रहा दादा सूरज बैठो यहाँ सही ओम प्रताप की खोपड़ी भी थी क्या वैसे मेरे बाल है इसलिए मजबूत है। वीडियो वीडियो पंडित जी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ वीडियो बोलो श्री हरे की जय। सागर लगा दीजिए, अरे ऐसी बढ़ती है ऐसा भी तो देखिए अभी बोलेंगे नहीं देखी है नहीं देखी वो हमेशा ऐसे करते थे हम लोग भी ऐसे बोलते थे अरे मौर्य जी क्या बात है एकदम साफा है ये क्या हो गया के उद्घाटन के लिए आए मंत्री जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मैं भोजपुरा वासियों की ओर से माननीय मंत्री जी की का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा। एक जोरदार तालियां मंत्री जी को स्वागत में। परशुराम जी कहाँ गए भैया? अरे यार सोनू भाई माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। घटिया भाई साहब ये पूजा घटिया भाई हैं फिरोजाबाद से आए और आपका प्रोग्राम लेना चाहते हैं फिरोजाबाद आएंगे। तो करवा लो सागर भाई
रामशंकर छोटे लाल जी भी स्वागत करें माननीय मंत्री जी का, और हमारे वरिष्ठ नेता बोरे जी का भी स्वागत करें त्यागी जी। अम्मा को भी देखो है, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? बबलू भाई स्वागत करें मंत्री जी का। सेलन जी मंत्री जी का स्वागत करें, आ जाओ। अरे तुम भी करो यार। प्रधान जी बुलाते जाओ, जो नहीं कराना है। शर्मा जी भी मंत्री जी का स्वागत करें। सभी दूसरे तीनों का करा दो भाई। सनी जी केशव जी आए। आयो 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 बता दो बंधु पहले आपके हमारे में नहीं बोलो भाई मंत्री। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मुखिया जी, इस कार्यकर्ता परशुराम जी, बाकी सभी अन्य बंधुओं, काम तो करने के लिए हमको आपने बनाया है और अब तो आपको एक पार्षद जी भी मिल गई है। तीन तरह के काम होते हैं, लोकल सरकार, नगर निगम, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। तीनों के प्रतिनिधि भी आप चुनते हैं जो आपकी आवाज को शासन तक पहुंचाते हैं। नगर निगम के लिए मेयर और पार्षद जो लोकल सरकार है, प्रदेश सरकार के लिए आपने मुझे चुना है तीन बार से विधायक, और केंद्र सरकार के कामों के लिए एसपी सिंह बघेल साहब को चुना है आपने, वो आपके प्रतिनिधि हैं। तो लोकल कुछ समस्याएं हम लोग भी निपटा देते हैं, लेकिन बाकी मोस्टली तो नगर निगम का काम है। फिर भी आदेश हुआ था परशुराम जी का कि यहाँ की गली खराब है, ठीक करानी है, हमने अपना अंशदान दिया है आप लोगों की सेवाओं में। तो आपने मुझे इस लायक बनाया तो मैंने अंशदान दिया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जिस लायक बनाया वो काम भी मुझे करने चाहिए। अब आपके यहाँ पर गंगा जल आ रहा होगा, पहले आगरा में पानी की बड़ी समस्या थी, जब 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था तो एक एक किलोमीटर दूर महिलाएं पानी भरने जाती थी और पूरा आगरा पानी के संकट में था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि जल संस्थान के पास इफरात में पानी है, यानी आगरा को 400 एमएलडी पानी मिलियन लीटर पर डे जरूरत थी, यमुना से 100-125 मिलियन लीटर पर डे उठाया जा सकता था, अब 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल आ रहा है, 450 मिलियन लीटर पर डे जल संस्थान के पास पानी है और आगरा को 400 की जरूरत है, पर्याप्त पानी। और गंगा मैया अब आपके दरवाजे पे आई आ गई है, चौंटी खोलिए, गंगा मैया की जय बोलते हुए हर गंगे करके नहाइए। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया है जब हमारे नेता मोदी जी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई थी। आप सब प्यास बुझाने आप सबके, लेकिन एक बात और कहूँगा सब लोगों से इसके साथ, पानी बन नहीं सकता, हवा एक बार को बन सकती है लेकिन पानी नहीं बन सकता।